इसमें ये है, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा फील्ड जहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए। अच्छा, अगर कोई फील्ड ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रेजेंस है ना उसको महसूस किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस करा जा सकता है। तो ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है तो उस ट्रांसफार्मर के आसपास ना बाउंड्री करी जाती है, तो वो बाउंड्री इस वजह से करी जाती है कि वो जो एरिया है ना ट्रांसफार्मर के आसपास वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। उसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कोई जानवर आ गया या अगर कोई इंसान आ गया तो वो करंट से चिपक कर और उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हमने एक जगह से करंट का वायर पकड़ दिया तो हमारी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, और वो करंट जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सबको जला देता है। ठीक है, तो जो है इसीलिए एक बैरियर बना दिया जाता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर है व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो अगर एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको अगर रखते हैं तो दूसरा टेस्ट चार्ज अगर वहाँ पर हमने, टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे ना टेस्ट कर रहे हैं, हम इससे टेस्टिंग कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं, एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब एक जैसे अगर चार्जेस हैं तो देर रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ऐसा होता है। तो उसमें ना हम ये कहते हैं कि अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपरली डिफाइंड एरिया नहीं लिया, ऐसे ही कोई भी टेढ़ा मेढ़ा एरिया हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू वन, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू वन, प्लस का क्यू वन चार्ज रखा हुआ है, और इधर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू वी। तो ये वाला जो चार्ज है इसको हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या नॉर्मली लेकर आ जाएंगे, लेकर नॉर्मली नहीं ला पाएंगे, नॉर्मली नहीं ला पाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही उसको यहाँ पर लेकर आए, अच्छा ये जो क्यू वन है, ये जो मैंने एक एरिया बनाया ना, ये अमीबा की शेप वाला जो एरिया बनाया है, तो ये एरिया क्या है कि इस एरिया में ये जो क्यू वन है इसकी प्रेजेंस वो महसूस किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एरिया में तो खींच लेगा, उसको अपनी तरफ चिपका लेगा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको रिपेल करेगा, उसको दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो लाने में मुझे थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये कह रहा है कि तुम तो मेरे जैसे ही हो, रिपेल पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वो उसको रिपेयर कर रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती उसको लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो वो लिखा हुआ है, सो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। वहाँ पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, तो उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, उसके अगेंस्ट उसको लाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर रखते हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए, अब द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब ऐसा होता है
कि अब ये हम एक चार्ज को लेकर आए, क्यू वन को लेकर आए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, ये हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए, उसमें जो वर्क करना पड़ा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था, उसको उठाकर दूसरी जगह ले गए विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर से और इधर तक जाने में जो वर्क करना पड़ा दैट इज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए क्लियर? ठीक है, अब नोट करिएगा मैथमेटिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अगर हम मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन
much energy is given to each coulomb? Each का मतलब one coulomb of charge passing through a 6 volt battery. तो battery क्या होता है ना, जब भी हम electricity की बात कर रहे हैं तो electricity में potential difference यानी कि voltage, potential difference को हाँ common language में potential difference को ही voltage बोला जाता है, ठीक है. जो voltage की बात करते हैं तो potential difference को ही voltage बोलते हैं. तो voltage का source या energy का source कौन होता है? Battery होती है, ठीक है. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे घरों में जो electricity आ रही है वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो लाइन के थ्रू लाइट आती है, वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर हम बात करें कि हमने अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लगा रखा था, अब चार्जिंग से हटा दिया है, तो अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम कर रही है. तो वो किस पर काम कर रही है? उसको एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी, ठीक है. तो बैटरी ही सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सोर्स ऑफ वोल्टेज बैटरी ही होती है. वोल्टेज से ही कोई भी चीज़ काम करती है, वर्क करती है. फॉर्मूला देख रहे हैं ना, वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो वो वर्क, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्क तभी करता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है. उन्होंने बोला हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच मतलब वन कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. 6 वोल्ट बैटरी का मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है. तो वो कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी. तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है, कंपल्सरीली याद रखनी है कि कोई भी बॉडी कितना वर्क कर सकती है? जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी हम उतना ही तो काम करेंगे. तो जो एनर्जी है वही वर्क डन है. इसीलिए आप समझ जाइए कि एनर्जी की यूनिट भी छूट होती है और वर्क डन की यूनिट भी छूट होती है. तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे अंदर 15 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है तो हम 15 जूल वर्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. तो आप ये देखिएगा कि ये पूछ रहे हैं हाउ मच एनर्जी. तो आप ऐसे लिखेंगे वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और वी इज इक्वल टू एनर्जी और क्यू. क्यू क्या है? चार्ज है. तो एनर्जी कितना हो जाएगा? वी टू क्यू. वी कितना है? 6 और क्यू कितना है? 1 + 6 = 1 + 6 जूल. सो 6 जूल एनर्जी हो गई. ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, गौरी अभी क्लियर है? ठीक है, अगला देखिएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर आ जाइए. इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा. व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, द इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द वन एट लोअर पोटेंशियल टिल दे बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल. दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी. ठीक है, अभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट बिना, करंट का मतलब क्या है कि जो लहर होती है ना, लहर जैसे पानी की लहर होती है उसको वाटर करंट बोल दिया जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल दिया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है. अब होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते आए हैं कि घर के एक कोने में अगरबत्ती जला दी तो धीरे धीरे घर के सारे कमरों में हर जगह हर कोने कोने में अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है. उसका रीज़न क्या है? जहाँ पर अगरबत्ती रखी हुई है वो पोजीशन कौन सी है? हायर कंसंट्रेशन. और कोई भी जो गैस है वो डिफ्यूज़ होती है कहाँ से कहाँ? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का भी यही कहानी है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं. तो अगर कोई दो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो चार्ज बॉडीज़ हैं, चार्ज बॉडीज़ का मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रिक्वायर करता है और दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज थोड़ा कम है. तो क्या होता है कि चार्ज हायर से लोअर की तरफ मूव करता है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है. टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, द इलेक्ट्रिक चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही चार्जेस फ्लो करते हैं. ठीक है, दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी. क्यू क्या है? चार्ज और डी क्या है? टाइम. मुझे मालूम है कि चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्स होती है और जो टाइम है टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है?
सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, और जो आई है ये करंट, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो ऐसा यूनिट है एम्पीयर्स, और शॉर्ट में इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जूल होता है, जूल को शॉर्ट में कैपिटल, वैसे ही एम्पीयर्स को शॉर्ट में कैपिटल ए होता है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट सॉरी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर, तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 0.25 एम्पीयर, आगे वो बोल रहे हैं फॉर 20 मिनट्स, तो टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स, ये जो 20 मिनट्स से पहले इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपने देखिएगा, आपने इस तरीके की बैटरी खुद देखी होगी, ठीक है, चाहे तो इसमें जो टीवी का रिमोट होता है उसको निकाल कर देखेंगे उसके अंदर ये बैटरी होगी, एसी का जो रिमोट होता है उसके अंदर ये बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी बड़े कॉमनली जो दीवार पर घड़ी टंगी है उसमें भी ये वाली बैटरी डाली जाती है, तो आप ये देखिएगा कि ये वाली बैटरी जो है इस पर टिका हुआ है 1.5 वोल्ट का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बनेगा 1.5। अब यहाँ पर दो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा उसमें सेल में क्या होता है, वही जो सेल है बैटरी है उसमें क्या होता है, उसमें एक जगह तो थोड़ा सा पॉइंटेड सा एंड बाहर को निकला रहता है और एक जगह क्या होता है पीछे से बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। तो जो फ्लैट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल,
और जो पॉइंटेड वाला हिस्सा होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, अब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब किसी उस चीज़ से नहीं है कि भाई ये वैल्यू मतलब पॉजिटिव पे है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं +4, +4, +11 है ना, ऐसे ही +20 ऐसे करके कुछ नहीं, इसका उससे मतलब नहीं है। और ऐसे ही जो ये नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव इंटीजर से मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किसके बोला जाता है, ये तो हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो हायर पोटेंशियल पर है और लोअर पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करा, टेप लगा दी और एक वायर कनेक्ट कर दिया, ऐसी टेप से एक वायर यहाँ पर चिपका दिया और एक पतला छोटा सा कोई हम बल्ब लेकर आ गए कहाँ से, पुरानी कोई ख़राब हुई भी लड़ी पड़ी हुई थी जो दिवाली पर लगा देते हैं घरों में, ठीक है, तो वो लड़ी हम लेकर आ गए और उस लड़ी में से हमने काट कर एक बल्ब निकाल दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं और इसमें क्या है कि इसमें आपको करंट का झटका भी नहीं लगेगा, है ना। अगर आपने वायर जो है वो टर्मिनल पर छू कर और वायर को भी छू लिया, हल्की सी कुटी होगी और कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो करंट का झटका नहीं लगेगा इसमें। तो अब आप ये देखिएगा कि ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये लोअर पोटेंशियल पर है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा ऐसे। अब क्या होता है कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, जैसे नदी होती है और नदी पर डैम बना दिया जाता है। डैम का मतलब समझ रहे हैं भाई, क्या होता है कि जब भी कभी ये जनरेटर देखा किसी ने चलता हुआ, बड़ा जनरेटर जो मैनुअली चलाया जाता था पहले और फिर धुआं निकलने लगता था, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता था, उसमें क्या होता था एक हैंडल लगाते थे, उस हैंडल को ऐसे 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 आदमी घुमाता था, आदमी खुद भी घूम जाता था पूरा उसके साथ, बड़ी ताकत लगानी पड़ती थी। और छोटे बच्चों को तो कह देते थे कि तुम हट जाओ यहाँ से, जिसको प्रैक्टिस होती थी वही उसको जनरेटर को चलाता था। तो उसमें होता क्या था कि एक हैंडल लगाया जाता था ऐसे, लगाकर पहले वो पूरी ताकत लगाता था, तब वो धीरे 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 घूमता था, इतना बड़ा डायनामो होता था उसमें, ठीक है। जनरली काफ़ी सारे मार्केट्स वगैरह में दुकानों के बाहर रखे हुए मिल जाते थे जनरेटर्स, अब तो लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी आने लगी तो जनरेटर्स को इतनी सेल भी नहीं है। तो ऐसे 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 पहले वो आदमी उसको घुमाता था, फिर जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता था तो आवाज़ आने लगती थी उसमें से, तो एकदम से वो झटके से साइड से खींच लेता था उस हैंडल को, नहीं तो वो हैंडल भी घूमता रहेगा उसके साथ, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि वो जो डायनमो होता था ना बड़ा सा लोहे का, लोहे का नहीं होता था वो, एक्चुअली मैग्नेट का होता था। मैग्नेट को अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो छोटे से जनरेटर की बात हुई, जनरेटर को बड़ा कर दो तो दो घरों में बिजली प्रोवाइड कर सकता है, और बड़ा कर दो तो 50 घरों में बिजली प्रोवाइड कर सकता है, और बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि पूरे के पूरे एक स्टेट में बिजली प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसा ही होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में टिहरी डैम आपने सुना होगा, लोग जाते भी हैं वहाँ पर देखने जाते हैं, थोड़ा देखने वाली जगह अच्छा लगता है, सुंदर है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर डैम क्यों बनाया गया है, तो एकदम से जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में जिनको जानकारी नहीं है वो सीधे सीधे बोलेंगे, वो पानी है ना, पानी बड़ी तेज़ी से बहता हुआ आएगा तो गाँव में आसपास के इलाके में बाढ़ आ सकती है, इसलिए डैम लगा दिया सरकार। जब पानी की कमी हो जाती है तो डैम का दरवाज़ा खोल देते हैं, पानी धीरे 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 करके आने लगता है, खेतों में पानी भर जाता है और लोग भी पानी पीने का पानी ले लेते हैं, इसलिए बनाया गया डैम। ये तो है ही, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। एक और रीज़न भी है, जब डैम का दरवाज़ा खुलता है ना तो उसके आगे क्या है, उसके आगे ना बहुत बड़े बड़े ना मैग्नेटिक टर्बाइन लगे रहते हैं। टर्बाइन, टर्बाइन का मतलब है कि बड़े बड़े पंखे, बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जैसे पानी का फ्लो आया तो वहाँ पर वो एक चौड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का है मैग्नेट का बना हुआ, उस पर पानी ने ठक से ऐसे टक्कर मारी, जब टक्कर मारी तो वो आगे को घूमेगा, ठीक है, फिर नीचे से, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप का है, बहुत बड़ा बड़ा है, तो जैसे ही वो घूमा, फिर नीचे से दूसरा जो टुकड़ा है वो ऊपर घूम कर आ गया, फिर उस पर पानी ने, क्योंकि पानी तो लगातार फ्लो करता रहेगा, पानी को रोकने वाला वो कोई नहीं, भगवान पता नहीं कहाँ से आ रहा पानी, पानी का सोर्स पर कोई जान ही नहीं पाया आज तक, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हाँ गंगोत्री से आ रहा है, अच्छा तो तुम्हें नहीं गंगोत्री कहाँ से आ रही है, और आगे जाकर देखेंगे, और आगे जाकर देखेंगे, पाँच बजे वीज़ा लगवाना पड़ेगा जी, चाइना जाना पड़ेगा, अच्छा चाइना चलो ठीक है चाइना चलेगा, देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे, पहुँच गए तो न जाने कितने सारे एडवेंचर करने वाले लोग हैं, न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, फिर इसका सोर्स समझ में नहीं आ रहा, हिमालय तक जाने का हुआ था उसके बाद तो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया कि अब मैं मर जाऊँगा, ठीक है अब नहीं जा सकता, मैं ऊपर टेम्परेचर ही -30 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई, आ कहाँ से रह पा, पानी का सोर्स किसी को नहीं पता, ठीक है। और फिर ये है कि भाई एंशियंट स्क्रिप्चर से अगर देखें ये शिव जी की जटाओं में से आ रहा है,
अब वो भी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता भाई, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम तो उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन हाँ जो वैदिक साइंस पढ़ते हैं, वैदिक साइंस भी एक मालूम होगा, जो वैदिक साइंस है पढ़ते हैं लोग, वो प्रूव कर चुके हैं उस चीज़ को कि वाकई में कोई सुपर पावर है, कोई सुपर पावर है वहाँ से निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो खैर वो जो पानी आ रहा है उस पानी को रोक तो बस भगवान ही सकते हैं, और तो कोई नहीं रोक सकता। तो हमने क्या करा, मैनुअली रोकने के लिए वो बैरियर लगा दिए। अब हमको लगा कि यार बिजली ना कम प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा जब वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू हुआ तो उसके साथ में बहुत बड़े बड़े जनरेटर लगा दिए। वो जो बड़े बड़े जनरेटर हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पावर हाउस, ठीक है ना, पावर स्टेशन। यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है नोएडा में, क्या कौन सी जगह, दादरी, दादरी में थर्मल पावर स्टेशन है, तो वहाँ पर कोल को बर्न करके स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम टर्बाइन को घुमाती है। तो पानी ने टर्बाइन को घुमाना शुरू करा, टर्बाइन ऐसे 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 घूमनी शुरू हुई, घूमनी शुरू हुई तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, और इतना करंट प्रोड्यूस हो गया कि पूरे पूरे शहर के पूरे पूरे स्टेट को प्रोवाइड कर देता है। उत्तराखंड को पूरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं, हाइड्रो यानी कि विच इज़ प्रोड्यूस बाई वाटर, तो इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। तो वहाँ से उत्तराखंड में आ गया, और उत्तराखंड के पास इतनी सरप्लस में बिजली हो गई कि उन्होंने स्टोर कर करके दूसरे स्टेट को बेचनी शुरू कर दी, ठीक है ना। काफ़ी रिच स्टेट है उत्तराखंड, इसीलिए काफ़ी रिच स्टेट है क्योंकि अपनी बिजली बनाता है, ठीक है, और उसको किसी तरीके के किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरली पानी मिल रहा है तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चलिए जी, तो अब आप ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैं वापस उसी चीज़ पर आता हूँ और उसको वहाँ से भी हम कनेक्ट करेंगे अभी। तो क्या होता है कि हमने जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी शुरू करी तो इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या चाहिए, हमको ना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना है, वोल्टेज बनानी है। वोल्टेज बनेगी यानी कि एक हायर पोटेंशियल होगा, एक लोअर पोटेंशियल होगा, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे, तभी करंट फ्लो होगा। तो अब जैसे वो पानी आ रहा था, तो पानी तो जाता रहेगा अपने रास्ते, पानी को कौन रोक पाया, और कहाँ जाकर मिलेगा, समंदर में जाकर मिलेगा, समंदर का पानी कहाँ जा रहा है ये भी किसी को नहीं पता, ठीक है। और वास्को डी गामा भी घूम घूम कर खत्म हो गया है। हम एक्चुअली नेचर के सामने हम तो कीड़े मकोड़े की तरह है ना, तो हम कहाँ तक जान पाएंगे उस चीज़ को, हमें जो चीज़ नहीं पता हम दांत दिखाकर कह रहे हैं बदवास है, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये वही वाली चीज़ है कि मतलब अंगूर खट्टे हैं क्योंकि भाई मैं खा नहीं पा रहा उसको, इसलिए अंगूर खट्टे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि वो एनर्जी लेकर आ रहा था वाटर अपने साथ बहुत सारी, तो हमने बीच में से कहा कि यार वाटर, यार नेचर मेरे पास तो इतनी एनर्जी है, तो थोड़ी सी हमें दे दें, हमारा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो गर्मी में पसीने ही आते रहते हैं, कुछ पंखा वंखा चल जाएगा, एसी चल जाएगा, कूलर चल जाएगा, थोड़ा ठीक लगेगा। निकाल दिया, यहाँ से यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाकर बदल जाएगा, यार चार्जेस तुम यहाँ पर जा रहे हो, या थोड़ी सी एनर्जी हमें दे दो। हमने क्या करा, हमने बीच में बल्ब लगा दिया, तो उस बल्ब में थोड़ी सी एनर्जी लेगी। अभी चार्जेस जो है उनके अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि इसको ना कोई रोक दिखाया, रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है, इसको रोक नहीं पाएगा। तो ये कहेगा कि हम क्या दिखाने रास्ते में आगे चलिए, दो रुपए इसको पकड़ा और आगे निकल, है ना। तो वो क्या करा उसने, उसने थोड़ा सा चार्ज इसको दे दिया, तो पकड़ इसको मेरे को अपने जो है डेस्टिनेशन पर जाने दें। उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाएगी ना, मानेगा नहीं, ठीक है, समझ गए। तो उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तार काट दिया जाए बीच में से, और कोई तरीका नहीं, ठीक। तो इस तरह से चार्जेस हायर से लोअर की तरफ फ्लो होते हैं। बीच में हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब ने फ्लो करना शुरू कर दिया, बीच में हमने फैन लगा दिया, फैन की मोटर ने घूमना शुरू कर दिया, पंखे की आवाज़ आ गई, कोई चीज़। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम उसमें से एनर्जी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल लेते हैं। अब आई बात समझदारी की, क्योंकि हमें चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हायर और लोअर इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि यार ये जो है ना, इसको करते हैं 4.5 वोल्ट पर, सही है, 4.5 वोल्ट पर इसको सेट करते हैं, यानी कि इतना चार्ज प्रोवाइड करते हैं, 4.5 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो जाए। क्योंकि नेगेटिव वाला ना, यानी कि लोअर पोटेंशियल, इसको 3 वोल्ट पर करते हैं, तो 4.5 और 3 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5, ठीक है। तो फिर कोई समझदार आदमी है उसने कहा बेवकूफ़, यहाँ 3 वोल्ट लगाने की जरूरत क्या है, तो इधर ही 1.5 वोल्ट लगा, अंदर 0 वोल्ट लगा, 1.5 वोल्ट लगा, इधर 0 वोल्ट लगा, तो इधर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या करा जाता है, कुछ नहीं करा जाता, सर पीछे से फ्लैट होता है, सर पीछे से फ्लैट होता है। वो पॉइंटेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भाई चार्ज स्टोर कर रखे हैं, चार्ज स्टोर कर रखे हैं कितने, 1.5 वोल्ट के, तो 1.5 माइनस 0। इसीलिए कभी कोई तार हो कूलर का, है ना, या कोई भी जो प्लग होता है ना, प्लग जैसे प्लग लगा हुआ है, प्लग लगेगा तो इसको प्लग को निकालेंगे तो उसमें से 2 लोहे की डंडियाँ निकली हुई मिलेंगी,
ठीक है, वो सॉकेट के अंदर चली जाती है दोनों डंडी। मान लो कोई प्लग खराब हो जाए, उसको काट दो कैंची से, काट के उसके निकाल दो तार, दो तार होते हैं, दो ही निकलेंगे ना तार, एक तार होता है पोटेंशियल वाला, एक तार होता है लोअर पोटेंशियल वाला। हायर वाले को क्या बोलते हैं, लाइट जिंदा, और लोअर वाले को बोलते हैं न्यूट्रल। सुना होगा ना लाइट वायर न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर मतलब स्क्वायर से रोड पर रखा हुआ है, ठीक। तो आपने कई बार देखा होगा कुछ आते हैं खतरों के खिलाड़ी, घर में पंखा खराब हो गया, कोई चीज़ खराब हो गई, इलेक्ट्रीशियन आ गया, है ना। मैं भी जब छोटा था कहता था, अरे भैया भैया क्लास से कर लो इसको, मेरे को क्या बोलता वो इलेक्ट्रीशियन आया था। करंट से खेलते खेलते जान पर खेल जाते हैं हम लोग, बचपन से खेल रहे हैं करंट से, कुछ नहीं होगा, अरे यूँ करके घुमा रहा है, कहता चलो लाओ घुमा दिया एक बार, फिर अच्छा चलो लाओ यार क्लास दे दो, जब तुम कह ही रहे हो तो क्लास लगा देते। तो मतलब अब बच्चे थे तो मतलब बेवकूफ़ बना रहे, बच्चे थे तो ऐसे ही खेल रहे हैं हमारे साथ। भाई जो न्यूट्रल वायर था उसको तो तू उंगली से घुमा रहा है, लाइव वायर में अच्छा चल ठीक है, जब कह रहे हो प्लास तो प्लास से लगा देते हैं, इस पर करके देखा लाइव वायर पर, अभी पता चल जाएगा कितना खतरों का खिलाड़ी है, अभी निकल जाएगा सब। तो क्या है कि जो न्यूट्रल वायर है, और ऐसे ही जब आप वायर्स को खोलेंगे ना तो दो तरीके के वायर मिलेंगे, एक रेड मिलेगा ब्लैक मिलेगा। रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर, भाई रेड को मत छेड़ो, रेड जो है रेड ही लाइव वायर है, और जो ब्लैक है ठीक है कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए एक टर्मिनल को हायर पोटेंशियल पर रखा जाता है और एक टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल पर रखा जाता है। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, हमने बीच में से थोड़ी सी एनर्जी निकाल ली, भाई साहब बल्ब में ग्लो करना शुरू कर दिया, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। टू द आउटर सर्किट द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ यानी कि चार्जेस का फ्लो हुआ। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कंस्टिट्यूट द करंट इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अभी इसके सेल के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी जो है बैटरी के अंदर बहुत सारे ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं क्या, कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। और अगर निकाल लिए प्रोटॉन्स हमने कहीं से तो हम पर देश लोग का मुकदमा चल जाएगा, हमें जेल हो जाएगी, ठीक है। और जेल क्या हो जाएगी, हम खुद ही नहीं बचेंगे। प्रोटॉन्स निकालने के लिए ना न्यूक्लियस को फोड़ना पड़ता है, उसी को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, शायद पहले कभी बताया नहीं, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है वो वही होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साथ में छेड़खानी अलाउड नहीं होती क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन लेकर आता है, तबाही लेकर आता है। तो हर जगह इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही देखेंगे जब नेगेटिव टर्म जाएगा बच के मारेंगे और अपना नेगेटिव मतलब रिपेल, नेगेटिव पर रिपेल करेगा, कहाँ जाएंगे पॉजिटिव के पास सारे के सारे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भागे, ये होता है। तो वही यहाँ पर बता रखा है, हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर व्हेन अ मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी। जब किसी मेटल वायर को किसी बैटरी से या किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करा गया तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स शांत बैठे रहेंगे, शांत क्या घूमते रहेंगे, कोई कहीं टक्कर मारेगा, कोई कहीं सर मारेगा अपना, कोई कहीं इधर उधर टक 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 लगते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल आते ही फिर उनको आकर आ जाएगी, अरे भाई नेगेटिव आ गया, नेगेटिव रिपेयर करेगा और पॉजिटिव उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो पेज नंबर 6 है यहाँ पर दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रैंडमली इधर उधर इधर उधर कहीं भी घूम गया। और लास्ट लाइन पढ़ेंगे पेज नंबर 6 की, मैंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी, like a cell or a battery is connected between the ends of a metal wire, then an electric current, then an electric force acts on the electrons present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flow of electrons constitutes the electric current in the wire. ठीक है जी, इतना करिए मेरे को 2 मिनट दीजिएगा अभी आप।
अब अपना देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। तो सेल यानी कि बैटरी हो, स्विच हो और आपका कोई बल्ब लगा हुआ हो, वायर हो, इन सब के मिलने से जो कंपोनेंट, जो पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार होता है उसको हम सर्किट। उसके बाद ये जो सिंबल्स वगैरह है ना, ये सब पुराने सिलेबस में हुआ करते थे, अब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे आइएगा ओम्स लॉ पर, जो सबसे नीचे है, ठीक है। बाकी सर्किट डायग्राम की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम इस चैप्टर में कर लेंगे। ओम्स लॉ पर आइए। ओम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा जाए
तो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के, करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसके बाद हमने ये कहा ओम्स लॉ में, पेज नंबर 9 पर वो है, बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और हमने क्या करा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर अगर हम इक्वालिटी साइन लगा दें तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। वह ऐसे हो जाएगा V इज इक्वल टू आर आई, वेयर आर इज अ कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हमें आर निकालना है ना, तो आर की वैल्यू होती है पी अपॉन आई, और आर की ऐसा यूनिट इज ओम, और इसका सिंबल होता है ओम का, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया। सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट यहाँ डिनोमिनेटर में है और रेसिस्टेंस यहाँ न्यूमरेटर में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब रेसिस्टेंस की बात करते हैं। अब रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब भी कभी हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे या किसी बल्ब की बात कर रहे हैं या मान लीजिए फैन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि वो कितना उसके पाथ को, करंट के पाथ को कितना रेसिस्ट कर रहा है। कोई भी बल्ब है या कोई भी फैन है या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हमने कनेक्ट कर रखा है किसी बैटरी के साथ, तो हम ये कहेंगे कि वो कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यानी कि कितना करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तब जरा देखिएगा पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इसको भी याद रखने का ये तरीका, वी इज इक्वल टू आर आई मत करना, आप इसको वी इज इक्वल टू आई आर कर देना, इससे ये क्या वी हो जाता है, वी आई आर वी हो गया। ठीक है, तो ये याद रहे, इस वजह से वी इज इक्वल टू आई आर कर देना। अब देखिएगा क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट, तो करंट कितना है 2 एम्पीयर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 0.1 वोल्ट, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। आपको रेसिस्टेंस निकालना है, बाय ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई आर, वी है 0.1, आई है 2, और आर पॉइंट गया तो नीचे टर्न आ गया, तो 2R इज इक्वल टू 1/10, मैंने पलट कर लिख दिया, 2R को इधर लिख दिया 1/10 को, R इज इक्वल टू 1/10 0.05 वोल्ट। सही है, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे 0.05 0.05 वोल्ट, ये आ गया। ऐसे ही
अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स। ये कोई सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें क्या है 24 वोल्ट की तो बैटरी है और एक रेसिस्टेंस है 60 ओम्स का। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेगलिजिबल। कई कई बार क्या होता है कि जो वायर्स हमने कनेक्ट करे उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स वो कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है वायर्स का कुछ भी। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हमारे पास 24 वोल्ट की बैटरी है। आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज इतना कर लीजिए। मेरे को नोट्स दे देना, चाहे तो ले जाना चाहो ले जाओ, नहीं तो मैं फाइनल करके दे दूंगा आपका नेक्स्ट क्लास में। सौरभ नाम लिख कर दे देना, उसमें अपना नाम लिख देना।